हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने कुछ दिलचस्प उदाहरणों द्वारा वर्ग और आयत के क्षेत्रफल एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल के बारे में और जाना। इस वीडियो में हम इससे संबंधित कुछ गलत अवधारणाओं को देखेंगे। बन्नो के जन्मदिन के लिए बब्बन केक बनाने की तैयारी में जुटा है, तभी उसके घर अप्पू आया। बब्बन, तुम क्या कर रहे हो? मैं बन्नो के लिए केक बनाने की तैयारी कर रहा हूँ। अरे वाह बब्बन, लेकिन तुमने केक बनाने के लिए इस बड़ी ट्रे की जगह ये छोटी ट्रे का इस्तेमाल क्यों किया? अप्पू, मैंने दोनों ट्रे के परिमाप इस तरह से ढूंढे हैं और देखो, दोनों के परिमाप बिल्कुल समान 36 सेंटीमीटर हैं। इसका मतलब दोनों ट्रे बिल्कुल समान हैं। अरे बब्बन, ऐसा जरूरी नहीं है कि दो समान परिमाप वाले आयतों के क्षेत्रफल भी समान हो। इसलिए ऐसा जरूरी नहीं है कि क्योंकि इन दोनों ट्रे के परिमाप समान हैं, क्षेत्रफल भी समान हो। देखो, इस आयताकार की ट्रे का क्षेत्रफल होगा 12x6 या 72 स्क्वायर सेंटीमीटर और इस आयताकार की ट्रे का क्षेत्रफल होगा 10x8 या 80 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसलिए ये ट्रे इस ट्रे से बड़ी है, समझे? अच्छा, मैं समझ गया। अब मैं इस बड़ी ट्रे में बन्नो के जन्मदिन का केक बनाऊंगा। तुम उसकी जन्मदिन की पार्टी में जरूर आना अप्पू। बब्बन ने उस बड़ी ट्रे का इस्तेमाल कर बन्नो के लिए एक सुंदर केक बना लिया। बच्चों, इस वीडियो में हमने वर्ग और आयत के क्षेत्रफल एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल से संबंधित कुछ गलत अवधारणाओं को देखा।